अरब के देश सूडान में गृह युद्ध की आग में जहां एक तरफ तबाही मची है, तो वहीं इन परिस्थितियों के बीच वहां फंसे भारतीयों को सकुशल भारत लाने के लिए केंद्र सरकार द्वारा ऑपरेशन कावेरी शुरू किया गया है। ऑपरेशन कावेरी के तहत भारतीयों के पहले दल में सैकड़ों लोगों को वहां से निकालकर वतन वापसी सुनिश्चित की गई है। इन्हीं सैकड़ों भारतीयों में से एक जिला ऊना के उपमंडल के तहत पड़ते लोअर अंदोरक में रहने वाले 25 वर्षीय रोहित शर्मा भी शामिल है। ना व्हाट्सएप ज्ञान, आज इस वीडियो में मैं एलर्जी के ऊपर बात करने वाली हूँ। ना फेसबुक बखान, अगर आप वेट लॉस डाइट पे हो तो भी आप पीनट्स खा सकते हो। झूठे फैक्ट्स नहीं, ना एक्सपेंसिव सामान, बस बात सेहत की रख कर आपका ध्यान। नीज की पेन चाहे वो आर्थराइटिस का इशू हो या कोई भी नॉर्मल पेन हो, ये बहुत कॉमनली यंग एज ग्रुप में भी हो रही है। एक नंबर और हर समस्या का हल, डाइट वर्च्यूज सेहत का साथी हर पल। बात करें सर्टिफाइड डाइटिशियन वाणी सिंगला से लाइव 1 मई को दोपहर 2 बजे सिर्फ नेशन स्पीक्स पर 8091930300 पर। डाइट नोट्स विद वाणी सिंगला ब्रॉट यू बाय डाइट वर्च्यूज। दिसंबर 2019 में रोजगार की चाहत लेकर सूडान गए रोहित शर्मा का कहना है कि सूडान में हालात बेहद बेकाबू हो चुके हैं, जहां पर सेना और पैरामिलिट्री आपस में ही जंग छेड़ चुके हैं। यहां तक कि अब स्थानीय नागरिक भी लूटपाट पर उतारू हो चुके हैं, जिसके चलते विदेशी लोगों का वहां रहना किसी भी खतरे से खाली नहीं है। रोहित ने बताया है कि गृह युद्ध की परिस्थितियों के बीच सूडान का एयर स्पेस पूरी तरह बंद हो चुका है। हालात ये है कि वहां से विदेशी नागरिकों को बाहर निकलने का एकमात्र रास्ता समुद्र से होकर ही जाता है। सर 3.5 साल से तो मैं उधर काम कर रहा था, मोबाइल डिस्ट्रीब्यूटर का काम था, बस तो चल सब ठीक ठाक ही चल रहा था, पर सिचुएशन हालात ऐसे हो गए कि वहां से निकलना पड़ा। हम सरकार का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने जिंदा वापस निकाली, क्योंकि हमने तो उम्मीद छोड़ दी, जिस हिसाब से बमबारी हो रही थी तो हमने तो छोड़ दिया था कि हम निकल पाएंगे ऐसे, पर सरकार का बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने हमें जिंदा वहां से वापस निकाल लिया। सर रोज बात की जाए, क्या कुछ हालात इस समय सूडान में है और क्या स्थिति है वहां पर? सर स्थिति तो मुझे लगता है अभी ठीक होगी 1-1.5 महीना, क्योंकि आगे से आगे वो टफ होता जा रहा है, आगे से आगे तो मुश्किल है। अभी 1.5-2 महीने हम कुछ बोल पाए उसके बारे में, ये है बस जो इंडिया वाले उधर लोग फंसे वो जिंदा वापस आया, बस यही है। भगवान से प्रार्थना है कि सब ठीक ठाक निकल जाएं। बताया जा रहा है कि 3,000 के करीब बंदे बता रहे हैं इंडिया के, पर ज़्यादा है उसमें, वो अप्रोक्सीमेटली बताया जा रहा है कि 3,000 हो गए, पर काफ़ी हैं। तो जिस तरह से सूडान में जो है वो गृह युद्ध चल रहा है, हाँ जी, तो जो वहाँ के शहर है, वहाँ के गांव है, नगर है, कुछ नहीं रहा, सब तहस नहस है। बमबारी हो रही है, एयरफोर्स चल रही है, अगर एक का पलड़ा भारी हो तो वो बमबारी कर रहा है एयरफोर्स के साथ, अगर दूसरा अगर उसका स्टेबल आ रहा है तो वो फिर से स्टेबल के साथ घंटे दो दो घंटे बाद फायर चालू हो रहा है। अगर समझ लो आपका पलड़ा भारी हो रहा है तो वो दूसरे सामने वाला बमबारी कर रहा है एयरफोर्स, और एयरफोर्स का सबसे ज्यादा डर है, क्योंकि क्या पता बम अगर कोई गलती से किसी की बिल्डिंग के ऊपर गिर जाए, हमारी बिल्डिंग के ऊपर गिर जाए तो सब तबाह हो जाएगा। बात की जाए, हवाई सेवा पूरी तरह से वहाँ पे बंद है। तो किस तरह से आप जो है वो आपकी घर वापसी हो पाई? सर वापसी है, हम बस के जरिए, हमने पहले पोर्ट सूडान के लिए बस ली थी, तो 800-850 किलोमीटर का फासला तय किया, 12 घंटे का सफर था, तो उसके बाद वहाँ पे स्टे किया पोर्ट सूडान में, 1-1.5 दिन वहाँ पे स्टे किया, उसके बाद कागज पत्र का काम किया, उन्होंने फॉर्म वगैरह भरे, तो उसके अगले दिन नेवी वाले आए थे, नेवी वालों ने हमें वहाँ पे शिप पे बिठाया और 12 घंटे का सफ़र तय करके हमें जद्दा पोर्ट पे पहुँचाया, तो वहाँ पे फिर से उन्होंने स्कूल में रखा था, वहाँ पे मतलब सेवा पानी सब कुछ किया, खाना पीना दिया, सब कुछ किया, इंडियन स्कूल था वो वहाँ पे, तो वहाँ पे भी कागज पत्र काम हुआ, तो अगले दिन उन्होंने हमें सऊदी एयरलाइंस के साथ इंडिया भेज दिया। रोज बात की जाए, आप जितने दिन वहाँ पर फंसे रहे, क्या कुछ खाने पीने की व्यवस्था है वहाँ पर? सर खाने पीने का तो पता नहीं, भगवान की दया से हमने 15 दिन का स्टॉक पहले रख लिया था, बस उसी के सहारे चल रहे थे, पर अगर वो खत्म हो जाता तो हमें मतलब खाने पीने की बड़ी दिक्कत आने वाली थी, पर यह हमने 15-20 दिन का हमारे पास स्टॉक पड़ा हुआ था, हम जब भी सामान लेके आते तो कम से कम 10 दिन का लेके आते थे, पर एट ए टाइम केंद्र सरकार ने ऑपरेशन कावेरी चलाकर भारतीयों की घर वापसी की जा रही है, क्या मानते हैं सर? इसके धन्यवाद करने का, बहुत बहुत धन्यवाद करने का, तो कि हम सभी को जिंदा वापस निकाला वहाँ से, और दुआ है कि जितने वहाँ में फंसे वो भी जिंदा वापस निकल जाए। सरकार से यही विनती है कि उन सभी को वहाँ से जल्द से जल्द निकाल लिया जाए, क्योंकि हालात बहुत खराब है, कुछ भी हो सकता है वहाँ पे, क्योंकि वहाँ बसों पे भी अटैक हो रहे हैं, बाई चांस किसी इंडियन बस पे अटैक हो गया तो कम से कम 50 से 100 लोगों का आंकड़ा
हो सकता है, खराब हो सकता है। कहने कह जाएंगे जैसे जी हमारा बेटा घर पहुंचा है, वैसे सारे इंडियन जो हैं वो अपने घर पहुंचे हैं। इंडियन तो क्या, जो भी वहां बेचारे हैं वो सब अपने घर में सकुशल पहुंचाएं, इससे बड़ी खुशी नहीं हो सकती। ये केंद्र सरकार की यानी कि मोदी है तो मुमकिन है, बस। तो लड़का घर पहुंच गया, इससे ज़्यादा खुशी की बात, सब ठीक। तो जब बेटा वहां पर था तो क्या दिल में क्या विचार आ रहा? दिल में सर हम लोग 22-23 तारीख से मतलब वैसे ही टेंशन में थे, ना तो रात को नींद, ना ही तो कोई इनको मैसेज कर सकता था, ना ही कोई इनसे बात हो रही थी, कुछ नहीं। तो उस वक्त बहुत टेंशन में, फिर तो रात को नींद आती थी कुछ नहीं, बस यही क्या होगा, कब आएंगे, कैसे आएंगे, बस यही चला था। तो क्या आपने कोई प्रयास किए एम्बेसी से बात की जाए, कहीं और बात की? नहीं, एम्बेसी से भी इन्होंने बोला कि हमारी बात हो चुकी है एम्बेसी से, तो वो खुद ब खुद मतलब उन्होंने दिया था इनको नंबर के, कोई ऐसी वैसी अगर बात हो तो हम लोगों से संपर्क करो, बस उनके जरिए ही सारा काम हो सकता। रोहित ने बताया है कि उन्हें सूडान में अपनी जगह से समुद्र तट तक पहुंचने में करीब 850 किलोमीटर का सफर तय करना पड़ा, जिसके बाद समुद्र के रास्ते उन्हें पहुंचाया गया। उन्हें विमान के जरिए सकुशल भारत लाया गया है। रोहित ने बताया कि 15 दिन उन्होंने कमरे में बंद रहकर ही गुजारे हैं। ये 15 दिन उनके लिए काफी मुश्किल भरे थे, जिसमें हर समय उनकी जिंदगी पर खतरा मंडरा रहा था। वहीं शनिवार सुबह हरोली उपमंडल के बालीवाल गांव के रहने वाले 33 वर्षीय दयाल सिंह ने भी अपने परिजनों के पास सकुशल पहुंचकर राहत की सांस ली है। दयाल सिंह करीब 2 वर्षों से सूडान में काम कर रहे हैं, हालांकि करीब 9 माह पहले ही छुट्टी काटने के बाद वो वापस काम पर लौटे थे। सूडान में 15 अप्रैल से शुरू हुए गृह युद्ध में न केवल वहां के नागरिक अपितु सूडान में काम के सिलसिले से बाहरी देशों के नागरिकों को भी काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। सर मैं मिनिमम 2 साल से पीछे सूडान में रह रहा हूं, वहां पे मोबाइल क्रेशर जो ऑपरेटर में काम करता हूं। तो क्या कुछ अब हालात है वहां? हालात सर बहुत खराब है, हालात कंट्रोल में नहीं है, बहुत ज्यादा बमबारी हो रहा है, अनकंडीशनल बमबारी हो रहा है, बहुत मुश्किल है वहाँ पे। तो वहाँ पे रहने खाने की किस तरह से व्यवस्था आपने इतने दिन की? बहुत बहुत मुश्किल था, हम हर रोज लगभग एक ही रोटी खाते था, हम 3 आदमी था, 3 रोटी बनाता था, 3 खाता था, बहुत मुश्किल था। खाने का व्यवस्था तो ना के बराबर है वहाँ पे। तो क्या कुछ वहाँ पे इस समय हालात है अगर बात की जाए? आपस में लड़ाई चल रही है, गृह युद्ध है वहाँ पर जी। तो किस तरह के हमले वहाँ पर हो रहे हैं? हमले सर एयर से हो रहे हैं, एयरफोर्स कर रही है वहाँ पे, और बाई गन भी हो रहे हैं, हर तरह का जो भी हमला कर अटैक कर सकते हैं वो करते हैं। हाँ। तो जो 15 दिन आपने वहाँ पर गुजारे, क्या दिल के अंदर कोई डर था? डर तो था लेकिन इतना नहीं था, हमेशा यही याद रखा है कि गुरु गोविंद सिंह ने बताया है कि कभी भी कैसी भी सिचुएशन आ जाए आपने हौसला नहीं हारना है, हौसले का मुकाबला करना, वो जज्बा था, इतना डर नहीं था लेकिन थोड़ा था। इस तरह से केंद्र सरकार ने ऑपरेशन चलाया, क्या मानते हैं इस ऑपरेशन को लेकर? ऑपरेशन का हम वाकई उसका जितना तारीफ किया जाए कम है, बहुत ही अच्छे से हर आदमी को वो कॉन्टेक्ट में ले रहे हैं, वहाँ से सूडान पोर्ट पे लेके आ रहे हैं, सूडान पोर्ट से आपको जद्दा में सऊदी अरब में लेके आ रहे हैं, वहाँ पे स्टे दे रहे हैं, हर फैसिलिटी अकोमोडेशन हर कुछ दे रहे हैं, वहाँ से वह दिल्ली भेज रहे हैं एयरपोर्ट पे। तो सरकार को क्या कहना चाहिए? सरकार को यही कह रहा हूँ, जैसे हम लोगों को सेफली और सेफ जहाँ पे पहुँचाया, बाकी लोगों को भी होपफुली वो भी अपने घर आए, तो हम सरकार से यही गुजारिश करते हैं कि हर आदमी अपने घर सेफ आए। दयाल जी बात की जाए, अभी भी हजारों लोग जो है वो सूडान में फंसे हुए हैं, उनके परिवारों को क्या आपका संदेश है? उनके परिवारों को मैं यही कहना चाहता हूँ, इंडिया इमिग्रेशन और एम्बेसी के साथ कॉन्टैक्ट जरूर करें, अगर उनके आदमी का किसी का कॉन्टैक्ट नहीं है तो वहाँ पे खारतूम में एम्बेसी मौजूद है, किसी न किसी तरह से नंबर लेके उनके साथ कॉन्टैक्ट करें, वो वहाँ पे उनके पास जाएगी और रिसीव करेगी और उसको सेफली जहाँ तक घर तक पहुँचाएगी। बात की जाए, आपका बेटा जो है वो सकुशल घर वापस आ गया है, क्या कहना चाहिए? मैं जी बहुत बहुत खुश हूँ, मैं सरकार इंडिया सरकार नो बधाई देना चाहती हूँ कि हमारे हेल्प किया, हमारा बच्चा हमारे पास आ गया, ऐसी सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद। तो जब आपको पता चला कि वहाँ पर इस तरह की कंडीशन है और आपका बेटा वहाँ पर फंसा हुआ है, तो क्या ख्याल जो है वो दिल में? बहुत परेशानी थी, बहुत बहुत ज्यादा, हाँ जी बता नहीं सकते, हाँ बहुत जनी सस नौंदा, बहुत मन बहुत दुखी हुंदा था, कर नहीं सकते थे कुछ भी, हाँ आज मन बहुत खुश है, हमारा बेटा हमारे पास आ गया, सब जो भी दुनिया है सब अपने अपने घरों लौट कर आए, अपने अपने परिवारों से राजी खुशी आए, बस यही बोलना चाहती हूँ।
वहीं सूडान से घर वापस लौटे दयाल सिंह की माता इंद्रजीत कौर ने केंद्र सरकार का आभार जताया है। उन्होंने कहा कि जब तक बेटा सूडान में फंसा था तब तक पूरा परिवार चिंताग्रस्त था। उन्होंने उम्मीद की है कि सूडान में फंसे प्रत्येक भारतीय को सरकार ऑपरेशन कावेरी के माध्यम से सकुशल वापस घर पहुंचाएगी। ऊना से ब्यूरो रिपोर्ट।